हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई लोग, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काइनमास्टर टॉप 5 वीडियो एडिटिंग टिप्स। दोस्तों, आप काइनमास्टर के अंदर कोई भी वीडियो आप एडिट करते हो, चाहे गेमिंग वीडियो, टेक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, फैक्ट वीडियो, कोई भी वीडियो आप एडिट करते हो, ये पाँचों टिप्स के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और लाइक नहीं किया है एक लाइक कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह लोग, सबसे पहले फर्स्ट जो टिप्स है, मान लो गाइस आप यहाँ पर कोई भी वीडियो को यहाँ पर आप एडिट कर रहे हो और यहाँ पर एक वीडियो क्लिप आप ऐड करना चाहते हो, वो जो वीडियो क्लिप आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, सिर्फ उस वीडियो का ऑडियो चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एक मैं मीम्स को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये वाला मीम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये एक फ़नी मीम्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक वीडियो फॉर्मेट है, तो सबसे पहले इसका आप सिर्फ ऑडियो चाहिए। तो आपको जो काम करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ऑडियो था वो यहाँ पर आ चुका है, और इसको मैं यहाँ पर मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर ये ऑडियो आ चुका है। तो मैं एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई लोग, ये क्लिप यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जस्ट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर किसी भी वीडियो का जो ऑडियो है उसको आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड टिप्स है, आपके वीडियो के बैकग्राउंड में आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना चाहते हो, मगर आपका वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ही बड़ा है और आपको बार बार आपको वो म्यूज़िक आपको ऐड करना पड़ता है, तो आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑडियो, ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इधर एक बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला म्यूज़िक को मैंने यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, देख सकते हो। तो सबसे पहले देख सकते हो ये जो म्यूज़िक है यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद फिर से मेरे को यहाँ पर से ऐड करना होगा। तो ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देता हूँ। कम कर देने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको तीनों एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डकिंग, लूप, लूप टू एंड, तीनों को आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर पूरा गाइस एंड हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा यहाँ पर एंड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो, आपको बार बार आपको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप्स है, अगर दोस्तों आपके पास एक गेमिंग यूट्यूब चैनल और गेमिंग वीडियो आप एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए आपको थंबनेल भी लेना पड़ता है, थंबनेल का भी ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक हेडशॉट मारा और इस चीज़ को मैं ऐड करना चाहता हूँ थंबनेल के अंदर। तो उसके लिए आपको जो काम करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैप्चर एंड सेव, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद ये वाला जो इमेज है वो आपका गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इमेज यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस इमेज को आप गाइस एडिट कर सकते हो, एडिट करने के बाद थंबनेल में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ नंबर टिप्स है, सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग, उसके बाद आपको क्लिक करना है वीडियो। वीडियो के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वीडियो फेड इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाद वीडियो फेड आउट एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल करिए। तो यहाँ पर डबल टैप करने के बाद ये यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इसका जो यहाँ पर सेकेंड है आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर अपनी सबसे आप यहाँ पर रख सकते हो 0.75 सेकेंड भी रख सकते हो, 0.50 सेकेंड भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड यहाँ पर रखता हूँ। उसके बाद मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद एक बार मैं वीडियो को यहाँ पर प्ले करता हूँ। तो भाई लोग, आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को एंड में कुछ इस तरीके से आपको जो वीडियो है वो यहाँ पर एंड होगा, तो उस सेटिंग को यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट टिप्स है, सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग। सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है एडवांस सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इनेबल सेविंग विथ अप टू 60 FPS, इसको आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद जब भी आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे तो आपका वीडियो 60 FPS पे एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, इसको भी यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर आप लेयर लोगे तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर ये वाला वीडियो को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 60 FPS का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है,
उसके बाद यहाँ पर आप सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद वीडियो को आसानी से आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आई है जरूर से एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और लाइक नहीं किया है एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।